रे सोनू, के बात होगी दोस्त? पिछले 3 दिन से तेरे को देख रहा हूं, बड़ा उदास उदास सा लागे है। के बात होगी मने बता? के बबीता से अंग्रेजी में बात करनी है, दैट्स इट। अरे यार, लिसन टू मी ब्रो, द टिप्स आर वेरी सिंपल। यू नीड टू यूज वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज, योर वोकैबुलरी नीड्स टू बी ऑन पॉइंट, एंड वाइल मैसेजिंग हर ऑन व्हाट्सएप यू नीड टू हैव गुड ग्रामर। देखा, पार्ट ली ना भाई की अंग्रेजी सुन के। अब सुन मेरी बात, तैने भी सीखनी है तो ये अंग्रेजी, एक ऐप है कैमली, इसको डाउनलोड कर ले तुरंत। ये नंबर वन ऐप है दुनिया की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ये ऐप तेरे को एक्चुअली में ना भाई इंग्लिश सिखाओगी। वन ऑन वन ट्यूटर मिलेंगे तेरे को 24 घंटे, 24/7, जब मर्जी हफ्ते में तू बबीता ने मैसेज करे और तेरे को अंग्रेजी ना आवे। ये ऐप को खोल और इसमें से कोई भी ट्यूटर से फेस टू फेस बात करके सीख ले, और बता दे बबीता को कि भाई तू भी कोई कम प्रोफेसर ना है। तो इससे बढ़िया ऐप और कितने लेगी भाई। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, और मुझे लगा कि मुझे ये दोबारा बताना चाहिए क्योंकि मैंने 3 एपिसोड से अपना नाम नहीं लिया और मुझे लगा तुम भूल गए होगे। भाई ये सारे के सारे न्यूज चैनल देख देख के ना मेरा एड्रेनलिन रश हो गया। अब मेरे को खराब मन की बहनचोद, अब मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी कोई ना कोई चाइनीज सामान तोड़ूंगा। मारो, ढक दे, मारो। तो मैंने अपनी मुंडी घुमाई, मैंने देखा सर मैं क्या तोड़ू क्या तोड़ू। फिर रियलाइज हुआ कि बहनचोद सब कुछ तो चाइनीज है, इतना सामान तोड़ दिया तो मेरी बीवी मेरी घंट तोड़ देगी। फिर मेरी नजर गई लैपटॉप पे, मैंने लैपटॉप को निकाला, मैंने कहा अलविदा मेरे दोस्त, मैंने उसको लिटाया और मैंने कहा जिंगपिंग तेरी माँ की चूत। और फिर मैं उसके ऊपर जैसे ही कूदने लगा, मैं स्लो मो में ऐसे कूद ही रहा था कि मेरी नजर गई नॉट मेड इन चाइना, मेड इन जापान, और मेरी टांगे ऐसे खुल गई। हेंस नॉट चाइनीज वोंट ब्रेक। पहले बेताल जैसा सड़ा हुआ केला और फिर बुलबुल। ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स ना एक किल स्ट्रीक पर है अपने ऑडियंस को चूतिया बनाने की। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने बुलबुल का ट्रेलर देखा 10-12 दिन पहले, आई गॉट प्रीटी एक्साइटेड, और मुझे लगा लोगों में भी एक्साइटमेंट होगी क्योंकि बेताल जैसी टट्टी देखने के बाद मुझे इसका ट्रेलर देख के ऐसा लगा यार थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी होगी। और उसका ये भी रीजन था क्योंकि अनुष्का शर्मा एसोसिएटेड थी इसकी प्रोडक्शन के साथ, और अनुष्का शर्मा ने जितने भी अभी तक सीरियल्स प्रोड्यूस करे हैं, वेब सीरीज प्रोड्यूस करी है, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी उम्दा उनकी स्टोरी लाइन्स रही हैं, राइटिंग बहुत अच्छी रही है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी रही है। और मुझे लगा यार फाइनली कुछ तो ऐसा आ रहा है जो आरजे स्तुति के मूवी रिव्यूज से ज़्यादा स्केरी हो सकता है। बुल BULBBUL है यार, इट्स बुल की माँ। इन्होंने सोचा होगा कि बहन चो डबल बी कर देते, शायद इसी में थोड़ा हॉरर हो जाए, स्टोरी में तो कुछ है नहीं। देखो यार, आई कंप्लीटली अग्री टू द फैक्ट कि खाली जंप स्केयर्स ही एक मूवी को हॉरर नहीं बनाते, बट द पॉइंट इज कि इस मूवी में इतना ज्यादा हार्ड ट्राई किया गया है कि इसको साइकोलॉजिकली हॉरर बनाया जाए, एंड दे हैव मिजरेबली फेल्ड। अगर आपको कोई अच्छी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखनी है तो एक मूवी है, उसका नाम है द बाबाडुक, और एक दूसरी मूवी है जिसका नाम है अ डार्क सॉन्ग। ये दोनों मूवी में 1 रुपए का भी जंप स्केयर नहीं है, 1 शॉट भी जंप स्केयर का नहीं है, एंड दीज मूवीज विल नेवर लीव योर सबकॉन्शियस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और इन लोगों ने भी यही कोशिश किया है कि पूरी मूवी में कोई जंप स्केयर ना डालें, लेकिन उन लोगों से ये काम हुआ ही नहीं। इनफैक्ट द फर्स्ट 40 मिनट्स विल बोर यू टू डेथ। स्टोरी शुरू होती है 1881 के बंगाल में, और पहले शॉट में ही ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि एक चाइल्ड मैरिज को दिखाया जा रहा है, जहां पे एक छोटी सी लड़की की शादी करा दी जाती है एटलीस्ट 30 से 35 साल बड़े ठाकुर से, जो एक बहुत बड़ा जमींदार होता है। एंड वहीं से ये स्टोरी इवॉल्व करती है इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जिस 20 ईयर्स में ये दिखाया जाता है कि उस छोटी लड़की को वो बड़ी कैसे होती है ठाकुर के साथ, और हाउ शी फॉल्स इन लव, और मे बी कॉल इट इन्फैचुएशन टूवर्ड्स ठाकुर का सबसे छोटा भाई जो होता है। और शुरू में ये भी एस्टैब्लिश कर दिया जाता है स्टोरी में कि जिस गांव में ठाकुर रहता है और उनका पूरा परिवार रहता है, और जहां पर मुन्नी को लेके जाया जाता है, मुन्नी बजरंगी भाईजान थोड़ी है ये, तो भैया उस गांव में रहती होती है एक चुड़ैल जिसका नाम होता है बुलबुल। अब अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम पूरे 1.5 घंटे बैठ के देखोगे, क्लिफ हैंगर मोमेंट्स को एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तुम्हें पता लगेगा कि लास्ट में जाके भांडा फूटेगा कि चुड़ैल थी कौन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतनी प्रेडिक्टेबल, इतनी वाहियात तरीके से प्रेडिक्टेबल है स्टोरी, शुरू के 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि चुड़ैल कौन है। एंड दिस इज नॉट माई ओनली प्रॉब्लम विद द मूवी, द पॉइंट इज सस्पेंस नहीं है, शुरुआत से लेके लास्ट तक कोई सस्पेंस नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ा सा तुम्हारे को लगेगा कि भैया हाँ थोड़ा सा हुक करके बैठ सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ही मेजर सस्पेंस या मेजर थ्रिल नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल, इस मूवी को ब्रांड करा जा रहा है एज अ हॉरर मूवी। अगर तुम IMDb पे जाओगे या नेटफ्लिक्स डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे, इट्स कॉल्ड अ हॉरर मूवी, बट द फैक्ट इज दैट इट्स नॉट अ हॉरर मूवी, इट्स एक्चुअली मे बी अ हु किल हु साइकोलॉजिकल थ्रिलर,
और मे बी अ लव स्टोरी टर्न इन टू अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। इट इज नॉट अ हॉरर मूवी, इट हैज नथिंग रिलेटेड टू एनी हॉरर थिंग्स। तो अब बात करते हैं इस पिक्चर के लूप होल्स की। भाई मेरे हिसाब से अगर तुम एक असली की चुड़ैल पकड़ भी लाओ और उसे जाके दिखा दो ना, जबरदस्ती बिठा के पिक्चर दिखाओ उसको, तो वो भी डिसअप्रूव करके पहनचो तुम्हारी। ये तो टट्टी है। पहला लूप होल ये है, उसके लिए मुझे इसकी स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, मैं समझाता हूँ तुम्हारे को। अगर तुम सोचो तुम चुड़ैल बन गए बहनचो, ठीक है, अब चुड़ैल बन गए, तुम्हारे पैर गए पलट, उल्टे पैर हो गए, अब तुम्हारी एड़ियां आ गई तुम्हारी अंगूठे की जगह, अंगूठे आ गई तुम्हारी एड़ी की जगह। अब बहनचो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा पैर उल्टा हुआ है एड़ी से तो तुम्हारे क्या काफ भी आगे आ जाएंगे? मुझे बात बताओ, पैर उल्टे हुए हैं ना, पूरी पूरी लात थोड़ी उल्टी है, तुम्हारी चूतर थोड़ी आगे लग गए आके। तो मेरे को एक बात बताओ, जितने भी इन्होंने शॉट लिए हैं चूतियों ने, थोड़ा सा शॉट को ऊपर करके देखो, ध्यान से देखना कि भाई उसके काफ भी ऐसे आगे आगे और शिन चला गया पीछे। देखो मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। तो देखो मेरे कहने का मतलब है कि सारे के सारे उल्टे पैर वाले शॉट्स आधे लिए घुटनों से और यहां से ऐसे खड़े करके ले लिए कि मेरे पैर उल्टे हो गए। अबे इन चूतियों को ही बताओ बहनचो, सीजीआई भी होता है। दूसरा लूप होल ये है, ये लूप होल क्या है, ये तो बहनचो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई जब बुलबुल 5-8 साल हो गए उसे चुड़ैल बने, वो हांड रही है चुड़ैल बन के, पूरी बड़ी भरी हवेली में हांड रही है, लोग उससे रोज मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लोगों की चाय पानी चल रहा है, हाई टी चल रही है, और तब भी किसी ने देखा नहीं कि भैया उसके पैर तो उल्टे हैं। थर्ड लूप होल भी लूप होल से ज्यादा एक स्टोरी में फ्लॉ है। आपको लगेगा फ्रॉम द गेट गो स्टार्टिंग से, किसी को भी लगेगा इसमें कॉमन सेंस होगी कि भाई चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, बट इसमें जो लड़की है, जो बुलबुल है, उसके पैर चुड़ैल होने की वजह से उल्टे नहीं होते, वो उल्टे हो जाते हैं फॉर अ वेरी स्टूपिड रीजन कि राहुल बोस उसके पैरों को इतना मारता है और जब वो पैर हील होते हैं तो उसके पैर ऑटोमेटिकली ही उल्टे हो जाते हैं। सीधा करो पैर, ठीक कैसे होगी बदन? सो पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि पैर उल्टे उसके चुड़ैल बनने की वजह से नहीं हुए, बल्कि पैर उल्टे हुए उसकी इंजरी से, और वो इंजरी ऐसे हील हुई कि उसकी बॉडी की एनाटॉमी ही बदल गई है। चौथे लूप होल में मिस चुड़ैल पिंटो को लग जाती है 4-5 गोलियां। अब वो गोलियां लगने के बाद अभी तक तो आप लोग यही अज्यूम कर रहे हो कि वो एक ह्यूमन फॉर्म है या वो क्या है, ये क्लियर ही नहीं होता लास्ट तक। वो गोली लगी है और वो आ रही है और मुस्कुरा रही है, खड़ी हुई है अपने आशिक के आंखों में देख रही है, सब कुछ सही चल रहा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एकदम ही कट लगता है उनके उनके पैर में, हल्का सा आग का वो लग जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। मेरे को एक बात बताओ, उनको गोली लगी कुछ नहीं हुआ, हल्की सी आग की चिंगारी लगी और वो गिर गई। डायरेक्टर ने कुछ कुछ चीजों को बहुत ही उमदा तरीके से दिखाया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज और फीमेल ऑपरेशन, इन दोनों इश्यूज को बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही लेयर्ड तरीके से दिखाया गया है। बट देन अगेन, यही लेयर बनाने के चक्कर में द होल हॉरर एंड टेरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ द मूवी हैज बीन टेकन अवे। एंड बाय गॉड, ये पिक्चर 1 घंटे 34 मिनट की है, बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 40-45 मिनट्स आपको ये लगेगा कि इतनी सेंसलेस हो चुकी है मूवी इस टाइम, क्योंकि आपको सस्पेंस शुरू में पता लग गया है और देयर इज नथिंग हॉरर। अभी तुम्हें लगेगा एक स्केयर तो आएगा, हल्का सा कोई स्केयर तो आएगा, इवन इफ नॉट दैट, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा जो आपको एक्चुअली विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में। बात करी जाए एक्टिंग की तो भैया एवरीबॉडी इज स्पॉट ऑन। राहुल बोस, तृप्ति डिमरी जिन्होंने बुलबुल का रोल प्ले किया है, और पाउली दाम ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है थ्रू आउट द मूवी, और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत ही स्पॉट ऑन है अपने हर कैरेक्टर को लेकर। अन्विता दत्त ने राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही बहुत अच्छी करी है, बट अगर ये मूवी को वो प्लेस करते हैं एज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो शायद फिर भी मैं इस मूवी को बर्दाश्त कर लेता, बट कॉलिंग दिस मूवी अ हॉरर मूवी इज स्टूपिड। तो भाई ये था मेरा रिव्यू बुलबुल का। इसमें डबल बी क्यों है पहले तो मुझे अगर तुम्हें पता हो तो कॉमेंट में लिख के बता देना, मुझे वो नहीं समझ आया। बाकी डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग सबकी अच्छी है, लेकिन भूत बात तो इसमें है नहीं, अ मूवी फॉर द थिंकर्स, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक ठाक सी पिक्चर है, जाके देख लो, 1-1.5 घंटा खराब ही होगा। मुझे तो ये लग रहा था ये 1.5 घंटा खराब करने से अच्छा वो कोरोनिल जो बाबा रामदेव की टेस्टिंग कर रहे हैं उसका गिनी पिग बन जाऊंगी, भैया मेरे को कोरोनिल के 4 इंजेक्शन लगा के देख लो। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बाकी मैं ये तो गुत्थी सुलझाऊं पहले तो इन चूतियों ने बहन जो सीजीआई क्यों नहीं किया उल्टे पैरों के लिए।